कलेक्टर बनने के लायक नहीं, मध्य प्रदेश के अफसर को लगी हाईकोर्ट की फटकार। मध्य प्रदेश के उच्च अदालत ने पन्ना के जिला कलेक्टर को फटकार लगाई है। अदालत ने कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा को फटकार लगाते हुए कहा कि वह कलेक्टर बनने के लायक नहीं है और राजनीतिक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। बुधवार को मध्य प्रदेश की उच्च अदालत की खंडपीठ में परामंत शर्मा द्वारा दरार एक मामले की हुई, जो उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गन्नौर पन्ना के पद के लिए दावेदारी दे रहे थे। इस पद के लिए चुनाव 27 जुलाई 2022 को हुआ था। परमानंद को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 25 में से 13 मत प्राप्त करने के बाद एक मत से निर्वाचित घोषित किया गया। परमानंद को प्रमाण पत्र भी दिया गया था। हालांकि हारे हुए उम्मीदवार भाजपा समृद्ध राम शिमड़ी ने धारा 122 के तहत कलेक्टर के पास एक अपील दरार की। इस याचिका तक तत्काल सुनवाई करते हुए कलेक्टर मिश्रा ने पराजित प्रत्याशी को विजय घोषित कर दिया और सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्च अदालत ने कलेक्टर को उनके पद के लिए अनुपयुक्त राजनीतिक एजेंट बताते हुए उन्हें नोटिस जारी किया। कोर्ट के आदेश अनुसार कलेक्टर द्वारा प्राकृतिक न्याय के संदिग्धों का पालन नहीं किया गया था। कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने सत्य पक्ष के राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्य किया। उन्होंने स्वतंत्रता रूप से कार्य नहीं किया और चुनाव आयोग को उन्हें जिला रेटिंग अधिकारी के पद से हटा देना चाहिए था। अदालत ने संजय कुमार मिश्रा को नाम से एक पक्षकार के रूप में पक्षकार बनने की भी निर्देश दिए। कांग्रेस ने दावा किया कि अधिकारी ने मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में कठपुतली की तरह काम किया है। कांग्रेस के अरुण यादव ने ट्विटर पर दावा किया कि नगे निकाय चुनाव के दौरान अधिकारी भाजपा सरकार की कठपुतली के रूप में काम कर रहे थे। आज हाईकोर्ट ने पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा को फटकार लगाते हुए कहा कि पन्ना कलेक्टर ने सत्ता पक्ष के एजेंट की तरह काम किया, उन्होंने पद से हटा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात की बात करती रहती है। कलेक्टर भाजपा सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की बड़ी अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट।